हाँ हेलो गाइस, दिस इज गॉप सिंह। आपसे स्वागत मेरी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं मेरे चैनल एडुकेटिव, जहाँ पर आपको फ्रेमवर्क मिलता है। तो फाइनली आज वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप सबका स्वागत है प्रारंभ सीरीज में। ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, ठीक है, केमिस्ट्री का। सबसे पहले लेक्चर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। वन शॉट होने वाला है, हर एक चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है। नोट्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। आराम से आप उसे कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट प्लीज़ इस वीडियो को देखो पहले, समझो, उसके बाद ही नोट्स डाउनलोड करना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके फॉलो करो, क्योंकि वहीं पे सारे डाउट्स तुमको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। वहीं पे सारी अपडेट मिलेगी, जो मटेरियल है वो तुमको टेलीग्राम पे मिलेगा, बाकी सारी अपडेट्स तुमको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी। तो प्लीज़ इन दोनों पे जाके ज्वाइन करना मत बोलना। और हाँ, अगर चैनल पर नहीं है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो आज वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। तो देखो, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट एट विच कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद द टाइम। इन अदर वर्ड, सिंपल से अगर हम देखें तो मतलब व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि तो एक तरफ मैंने रखा, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसका जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो गया किसी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, नहीं, वो एक सेम स्टेज पे रहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहते हैं। मतलब व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जितना ही फॉरवर्ड में रिएक्शन हो रहा है उतना ही वो बैकवर्ड में भी हो रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम, आखिर कितने टाइप के होते हैं इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक हो गया फिजिकल और एक हो गया केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली होता है, इट इज़ व्हेन द इक्विलिब्रियम इज सेटअप इन अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज़ कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब भी हम किसी फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम को रखते हैं, इक्विलिब्रियम जब हमारा होता है, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस में, उसी हम फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉलिड टू लिक्विड हमें करना होता है, चेंज करना होता है, या लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, या गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, और डायरेक्टली गैस टू सॉलिड, है ना। ये सब हो गया हमारा एग्जांपल फिजिकल इक्विलिब्रियम का। लेकिन बात करते हैं अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो इट इज़ अ इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेबलाइज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब भी हम इक्विलिब्रियम जो स्टेट है, जब भी हम उसे केमिकल रिएक्शन में स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है, सेम कर देते हैं, वहाँ पे हमारा क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इन अ क्लोज्ड वेसल। यहाँ पे देखो, ये CaCO3 है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या दे रहा है, क्विक लाइम दे रहा है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको हीट कर रहे हैं तब हमें ये चीज़ें मिली, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें तो फिर हमें यही मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रहा है वो इसके इक्वली है बैकवर्ड के, जो हमें यहाँ पे मिल रहा है आगे की तरफ, ठीक है। वही अगर हम प्रोडक्ट की तरफ से देखें तो हमें भी वही चीज़ मिलेगी, ठीक है। यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का हमें ये चीज़ें चाहिए, और अगर हम इसको जोड़ दें तो फिर से हमें कैल्शियम कार्बोनेट ही मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, H2+I2, ठीक है, हाइड्रोजन है और आयोडीन है, तो क्या देगा, ये बना देगा 2HI बना देगा, ठीक है। अगर हम इसको वापस करेंगे तो फिर से अगर हम इसे हीट करेंगे तो क्या देगा, H2+I2 गैसेस स्टेट में दे देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। पहला दिया है द कंसंट्रेशन ऑफ द ईच ऑफ द रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट बिकम्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, जब भी इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द ईच रिएक्शन एंड प्रोडक्ट, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है एज पर डी टाइम, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा। एंड इक्विलिब्रियम इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, ठीक है, वो डायनेमिक इन नेचर होती है, ठीक है, होता है। और केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेबलाइज्ड ओनली इफ नन ऑफ द प्रोडक्ट इज अलाउड टू एस्केप आउट, ठीक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम तभी स्टेबलाइज कर सकता है जब प्रोडक्ट की तरफ से कोई भी सब्सटेंस जो है वो एस्केप ना करे, वो हटे ना, मतलब कुछ इवॉल्व ना करे, ठीक है। मतलब जैसे इसमें, जैसे कि ये है यहाँ पे, जैसे कि हाइड्रोजन होता है या O2 जो इवॉल्व हो जाती, ठीक है, तब वो स्टेबलाइज नहीं होगा, ठीक है, तब वो स्टेबलाइज नहीं कहा जाएगा। बट जब यहाँ से कोई भी एस्केप ना कर पाए, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट, तब उसे कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर आता है केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन दैट इज फॉर्म टू द डायरेक्शन इज दैट इज फॉर्म्ड एज वेल एज फॉर्म्ड डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम कैसे अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन से वो बना है या जहाँ पे बन चुका है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हम देख सकते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद आता है एट इक्विलिब्रियम द गिव्स एनर्जी द चेंज
ऑफ द सिस्टम इज डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अभी हम ये सब पढ़ेंगे, गिब्स एनर्जी क्या होता है और क्या होता है, ये ठीक है सब चीज़ें हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो क्या, देखिए बेसिकली इसमें से है थ्योरी, ठीक है, बट ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बट इसमें से मेन जो चीज़ होती है वो होती है हमारी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स हम तभी कर पाएंगे जब हमें बेसिक चीज़ें पता होंगी, जब हमें फॉर्मूला पता होंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड दिस लॉ ऑफ मास एक्शन इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो क्या कहता है, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इज प्रपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो किसके प्रपोर्शनल होता है, जो मोलर कंसनट्रेशन होता है, ठीक है, जो एक्टिव मास होता है किसके साइड का, रिएक्टेंट साइड का, ठीक है, उसके वो प्रपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रपोर्शनल टू द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी हमारे रिएक्टेंट थे, ये इधर हमने देखा। ठीक है, अब मोलर कंसनट्रेशन को हम एक्टिव मास भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, के लग जाएगा, के क्या है हमारा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इफ द रिएक्शन इज 2a प्लस 3b और वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ए का स्क्वायर, ये टू मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इधर के टू मॉलिक्यूल्स हैं, इधर के थ्री मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो टू है ये बाद में जाके क्या हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन में ये उसकी पावर हो जाएगी, और ये थ्री थे तो ये यहाँ पे थ्री का पावर हो गई। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर बी का क्यूब। ठीक है, सिंपल है ये। फिर आता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। तो इक्विलिब्रियम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन टू द रिवर्सिबल इन द इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन टू द रिवर्सिबल इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमें इक्विलिब्रियम रिजल्ट मिलता है जब भी हम लॉ ऑफ मास एक्शन जो अप्लाई करते हैं इक्विलिब्रियम में, बट उसके रिवर्सिबल, ठीक है, उसके उल्टा इक्विलिब्रियम में अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम ही मिलता है। ठीक है, तो ए प्लस बी इज इक्विलिब्रियम टू, ठीक है, सी प्लस डी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये हो गया हमारा के ए इंटू बी, और ये हो गया बैकवर्ड का के इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और डी, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सी प्लस डी है। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हमें पता ही है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, जो कि होता है प्रोडक्ट साइड का मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट साइड। तो इफ द रिएक्शन इज ए ए स्मॉल बी इंटू बी इस इक्विलिब्रियम टू सी सी प्लस डी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सी जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हमें अभी देखा हमने ऊपर, यहाँ पे ये टू ए प्लस थ्री बी ये क्या चला जाता है, पावर में चला जाता है, तो ये ए स्मॉल ए इधर पावर में चला जाएगा, स्मॉल बी इसके पावर में चला जाएगा, स्मॉल सी सी के पावर में चला जाएगा, स्मॉल डी डी के कैपिटल डी के पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, कैसे क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ देखते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की। ठीक है, तो केस इज अप्लीकेबल वेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट हैव अटेंड देयर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब केस ही हमें तभी मिल पाएगा, तभी एप्लीकेबल है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंसनट्रेशन है वो हम जब भी वो इक्विलिब्रियम में अटेंड होंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे तभी हमें केस ही मिल पाएगा, नहीं तो केस ही नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर केस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केसी चेंजेस विद द चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर तुम चेंज करोगे तो केसी भी तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो भी चेंज होगा। डियर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, किसी कैटलिस्ट को अगर तुम ऐड कर रहे हो तो तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ना कोई उसमें ना ही डिक्रीज होगा ना ही इंक्रीज होगा, मतलब उस पर कोई चेंज नहीं होगा। तो इफ और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इफ द रिएक्शन इज रिवर्स द वैल्यू ऑफ द केस इज इनवर्स्ड। ठीक है, अगर तुम रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे मीन्स रिएक्शन से प्रोडक्ट की तरफ जाते हो बट अब तुम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारा जो केस ही है वो भी इन्वर्स हो जाएगा, के डैश सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल केस ही, वन बाय केस ही, जैसे कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक, ओके, अब हम बात करते हैं, देखो इस चैप्टर में, हाँ ये भी चीज़ है, इस चैप्टर में 72-73 कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उनमें से मेन जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर तुम्हें वो भी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करना
और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है? तो तभी मैं तुमको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं ए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है? तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ये स्टेट है, ठीक है? स्मॉल ए मॉलिक्यूल्स हैं ए के, स्मॉल बी मॉलिक्यूल्स हैं बी के, स्मॉल सी मॉलिक्यूल्स हैं सी के, और स्मॉल डी मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं डी के। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या बनेगा? सी टू द पावर स्मॉल सी, डी टू द पावर स्मॉल डी अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए टू द पावर स्मॉल ए एंड बी टू द पावर स्मॉल बी। या तो हम ये भी कह सकते हैं ये सी हम हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा दें तो हम सी भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह हम यहाँ पे सी सब सब में ऐड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मोलर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो साइन है उसको हम हटा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सी क्या है? सी होता है हमारा एक्वस स्टेट के लिए, और पी क्या है? वो हमारा होता है गैसेस स्टेट के लिए, ठीक है? तो व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सी ऑफ द ए बी सी डी रिप्रेजेंट द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ए बी सी डी, ठीक है? तो ये सी ए क्या कर रहा है, सी बी क्या कर रहा है, ये सब मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसका, ए बी सी डी का। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो गैसेज स्टेट में होता है, ठीक है, उसका क्या होगा? उसमें हम क्या करेंगे, ये सब एक्वस स्टेट में थे, ठीक है? अगर हम गैसेज स्टेट में, तो वहाँ पे हम सी नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे के पी, ठीक है? तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, ओके? तो वी नो दी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है? अब आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से होता है पी वी इजिकल्स टू एन आर टी, ठीक है? तो जो वी है अगर हम इसको ले आएँ तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन दी वॉल्यूम, तो ये पी इजिकल्स टू एन बाई वी इंटू आर टी हो जाएगा, ठीक है? अब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन दी वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारा कंसंट्रेशन के इक्वल, ठीक है? तो अगर हमें किसी भी चीज़ का कंसंट्रेशन निकालना है तो हम नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारा पी सी का क्या बनेगा, हमारा जो बनेगा प्रेशर अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सी विद द पावर ऑफ स्मॉल सी, ठीक है, एन आर टी टू द पावर ऑफ स्मॉल सी, और सेम हमारे सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएगा डी के लिए, ए के लिए और बी के लिए, जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है? तो ये हमारा के पी की इक्वेशन बन के आएगी, के पी हमारा ऐसा होगा, ठीक है? अब तुम देखो ये आर टी जो है वो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है? तो आर टी को हम यहाँ पे ऊपर क्या कर दिए, सी और डी कर दिए, और नीचे का ए प्लस बी कर दिए, ठीक है? तो के पी हमारा क्या हो जाएगा, के सी इंटू आर टी, ठीक है, सी प्लस बी, और ये ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ए प्लस बी जो है, ठीक है, वो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये देखो ये क्या है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, ये सेम फॉर्मूला भी तुम देखो, ये है हमारा के सी है, ठीक है, ये हमारा के सी है, यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, ठीक है? ये हो गया, या तो तुमने यहाँ पे देखा होगा ऊपर, ठीक है, ये देखो ये क्या है हमारा, ये के सी है, ठीक है? तो इसको हम के सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये के सी से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो के सी हो गया, मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकालना हमें, ठीक है, यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमने सबका निकाला है, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के सी हो गया, और ये हो गया हमारा आर टी, और आर टी के पावर क्या हो गया, सी प्लस डी, और ये ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये सी प्लस डी माइनस, तो ये हो जाएगा क्या, एन हो जाएगा, डेल्टा एन हो जाएगा, इसके पावर आर टी की पावर होती है डेल्टा एन, ठीक है? तो डेल्टा एन हो जाएगा हमारा ये के पी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है, जैसे कि सी प्लस डी ऊपर जो पावर होगी उसमें हम नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, ठीक है? तो जो भी पावर आएगी वो हमारी मेन पावर होगी, वही होगी हमारी आर टी की पावर डेल्टा एन, ठीक है? जैसे कि ये हमारी वन है, ठीक है, यहाँ पे अगर वन है और यहाँ पे टू है तो वन माइनस टू माइनस वन हो गया, ठीक है? तो माइनस वन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, डेल्टा एन की जगह, ठीक है, सिंपल सा है। तो फॉर्मूला हमारा जो निकल के आएगा के पी का, वो होगा हमारा के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, ठीक है? अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट रिएक्शन कोसेंट एंड गिब्स एनर्जी, ठीक है? तो द वैल्यू ऑफ द के सी फॉर अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है? तो जो के सी का के सी की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, रेट ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द थर्मोडाइनमिक्स ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, एंड इन पर्टिकुलर टू द चेंज इन द गिब्स एनर्जी, ठीक है? वो डायरेक्टली तुम्हारी रिलेटेड होती है थर्मोडाइनमिक्स से, ठीक है, उसके थर्मोडाइनमिक्स से, और उसमें जो पर्टिकुलर चेंज होता है गिब्स एनर्जी में, जिसको हम डेल्टा जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब देखो डेल्टा जी तुम्हारी अगर नेगेटिव है तो मतलब रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है, और अगर हमारी जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी तुम्हारी जीरो है तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम है, ठीक है? तो अगर तुम्हारी गिब्स एनर्जी जीरो आती है तो मतलब तुम समझ जाओ तुम्हारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम है, अगर नेगेटिव है तो मतलब तुम्हारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो मतलब तुम्हारी रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है।
अब यहाँ पे डेल्टा जी की जो वैल्यू है, ठीक है, डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है ये तुम्हें याद रखनी होगी, -2.303 आर टी लॉग के सी, ये न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो प्लीज़ इस फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है, डेल्टा जी नॉट को। अब हम आते हैं नीचे, तो यहाँ पर दिया है लीच एट्रियल्स प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है, इफ़ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन टेम्परेचर और प्रेशर, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अंडू द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन पोस्ट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम एक कोई वैसे लेते हो, ठीक है, उसमें एक इस इधर से तुम एक चूहे को रख देते हो या किसी भी चीज़ को चूहे को रख देते हो, ठीक है, तो अगर तुम जिधर चूहा है बीच में उसको डिवाइड कर दो, ठीक है, तो जब तुम इधर का चूहा है, ठीक है, अगर तुम इधर से उसको हीट करोगे तो उसको लगेगी थोड़ी थोड़ी गर्मी, ठीक है, और जब वो ज़्यादा हीट होने लगेगा तो चूहा क्या करेगा, इधर उधर भागने लगेगा, वो सोचेगा जिधर हमें ठंडा मिले, तो ठंडा मिलने के वो किधर जाएगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ताकि वो अपना इफेक्ट जो है उसको अंडो कर सके, उसको फिर से ठंडी लगे, उसको गर्मी ना लगे। तो सेम लीच एट्रियल्स जो प्रिंसिपल वो भी यही कहता है, द इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन कंसंट्रेशन टेम्परेचर या प्रेशर। जब भी इक्विलिब्रियम जो है उसका हम कंसंट्रेशन टेम्परेचर या प्रेशर अगर हम चेंज करेंगे सिस्टम का, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो क्या करेगा, इट विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अंडू द इफेक्ट ऑफ अ चेंज, ठीक है, वो उस डायरेक्शन में रहेगा जो इस इफेक्ट को अंडू कर सके, इस इफेक्ट को फिर से वापस ला सके। मतलब अगर जिधर गर्मी थी, ठीक है, वो फिर से ठंडी की तरफ जाएगा, ठीक है, पहले वो ठंडे में था, टेम्परेचर बढ़ाया, इधर का कंसंट्रेशन बढ़ाया जैसे कि, तो वो किधर की तरफ जाएगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन या फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में जाएगा, ठीक है, और फिर अगर हम लोअर टेम्परेचर को फिर से बढ़ाएंगे तो फिर वो वापस इधर की आने तरफ इधर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो यही हमारा लीच एट्रियल्स जो प्रिंसिपल है वो कहता है। अब देखो, अब सिस्टम इन पोजीशन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है, जो सिस्टम है वो कुछ फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, जैसे कि कंसंट्रेशन चेंज, इफ अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्शन इज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट एंड फॉरवर्ड रिएक्शन। तुम अगर रिएक्शन साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, ठीक है, रिएक्शन साइड का रिएक्टेंट के, तो तुम्हारा जो रिएक्शन है वो क्या करेगा, वो फॉरवर्ड रिएक्शन में चलेगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है वो तुम्हारा फॉरवर्ड में जाएगा। बट अगर तुम प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा जो रिएक्शन है वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम जो क्या करेगा, वो शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो पीछे की तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है, जैसे कि ये तुम्हारा रिएक्टेंट है और ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट क्या करेगा, जब तुम इधर का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, बट जब तुम इधर का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये किधर आने की कोशिश करेगा, इधर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो जब तुम रिएक्शन का बढ़ाओगे, ठीक है, जब तुम रिएक्शन का बढ़ाओगे रिएक्टेंट साइड का, तो वो इधर जाने की कोशिश करेगा प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन होगा, और जब तुम प्रोडक्ट का बढ़ाओगे तब वो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है, तो इतना समझ आ गया। फिर इफेक्ट ऑफ द प्रेशर चेंज, द लो प्रेशर फेवर्स दीज रिएक्शन फेवर्स डोज रिएक्शन इन टोटल नंबर ऑफ द मोल्स इंक्रीजेज एंड हाई प्रेशर फेवर्स डोज रिएक्शन इन विच टेक्स प्लेस डिक्रीज द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, इधर एक ही मोल है PCl5 का, एक मोल है इधर, क्या है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इधर दो मोल हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी हमने देखा कि क्या, द लो प्रेशर फेवर्स दोज रिएक्शन इन विच टोटल नंबर ऑफ द मोल्स इंक्रीजेस, ठीक है, प्रेशर फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी लो, ठीक है, अगर लो इधर का प्रेशर तुम कम करोगे तो मतलब ये उठा जाएगा जिधर नंबर ऑफ द मोल्स हायर है, जिधर नंबर ऑफ द मोल्स इंक्रीज है, तो यहाँ पे दो मोल है और यहाँ पे एक ही मोल है। बट अगर तुम प्रेशर हाई प्रेशर करोगे इसका, ठीक है, तो हाई प्रेशर वो किधर जाएगा, वो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन होगा हाई प्रेशर में, क्यों, क्योंकि वो चाहता है, वो हाई जो जब तुम प्रेशर हाई करते हो तो वो जो है तुम्हारा रिएक्शन वो सिर्फ उसकी तरफ जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ द मोल्स कम हो, ठीक है, तो सिंपल सा, अगर तुम प्रेशर लो रखना चाहते हो, लो करोगे तो तुम्हारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि उधर जो तुम्हारे हैं इस रिएक्शन के हिसाब से, ठीक है, इस रिएक्शन के हिसाब से इधर जो नंबर ऑफ द मोल्स इंक्रीज है, ठीक है, तो लो और इंक्रीज, तुम्हें लो और हाई रखना है, लो प्रेशर हाई नंबर ऑफ द मोल्स, हाई प्रेशर लो नंबर ऑफ द मोल्स, ठीक है, सिंपल यही है, तुम्हें यही याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H2 और ये I2 है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा भैया, अगर हम इधर प्रेशर लो करेंगे तो ये किधर जाएगा, जिधर नंबर ऑफ द मोल्स ज़्यादा है, बट ये इधर जाएगा नहीं, इधर भी एक है, इधर भी एक है, ठीक है, ये एक एक दो हो गया और इधर भी दो है। अब ये क्या, अगर हमें इधर का प्रेशर हाई करना तो उधर जाएगा जिधर लो है, बट इधर भी दो है और इधर भी दो है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर जो है इट इज़ अनअफेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा आपके इक्विलिब्रियम में। अब हम आते हैं तुम्हारे किस में,
इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर चेंज, ठीक है। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय द हाई टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक, ठीक है, जो हीट को एब्जॉर्व कर लें, ठीक है, और एंडोथर्मिक जो हीट को नहीं, एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज करते हैं, ठीक है, जो हीट रिलीज करेंगे वो क्या करेंगे, वो लो टेम्परेचर की तरफ जाएंगे, ठीक है, और जो एंडोथर्मिक है वो एब्जॉर्व करते हैं, तो जो वो एब्जॉर्व करें तो वो हाई टेम्परेचर फेवर करेंगे, ठीक है। अगर वो एब्जॉर्व करें तो मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो फेवर करेंगे हाई टेम्परेचर। बट जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, जो टेम्परेचर रिलीज कर, जो हीट रिलीज कर रहा है, वो क्या करेगा, लो टेम्परेचर। क्यों भैया, अगर वो किसी भी चीज़ से तुम गर्मी निकालोगे तो वो क्या करेगा, ठंडा ही होगा ना, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक जो है वो लो टेम्परेचर फेवर करेंगे और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो वो हाई टेम्परेचर फेवर करते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे कि अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द बोथ रिएक्शन अलाउज रिएक्शन टू रीच एन इक्विलिब्रियम। बट ये क्या करता है, इसका वैसे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता, बट ये क्या करता है, बोथ रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ा देता है, ठीक है। बोथ रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का भी और बैकवर्ड रिएक्शन का भी, दोनों का ये रेट बढ़ा देगा और ये क्या करेगा, ये रिएक्शन को अलाउ कर देगा ताकि वो इक्विलिब्रियम तक पहुँच सके, ठीक है। ये रिएक्शन को इतना अलाउ कर देता है कि हाँ भैया वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगा, और जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो वो अलाउ कर देगा रिएक्शन को ताकि वो इक्विलिब्रियम में पहुंच सके, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग है तुम्हारी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है, तो अ सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन स्टेट और इन इट्स एक्वस फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऐसी सब्सटेंस जो अपनी मोल्टन स्टेट में भी बट एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी, जो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, दे ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वो चाहे मोल्टन स्टेट में हो चाहे एक्वस सॉल्यूशन में, दोनों में ही उनको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, वो करते हैं। अब यहाँ पे देखना है टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो पहला हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सब्सटेंस ऐसे हैं जो आयोनाइज कर देते हैं, जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। और जो वीकली या पार्शली आयोनाइज होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन से, NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। जो एसिड्स है मतलब, ठीक है, वो क्या है, वो तुम्हारे कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हो गया एसीटेट एंड ये एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, और या तो तुम ये NH4 अमोनिया हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब पार्शली आयनाइज होता है, ठीक है, ये एक छोटे एक्सटेंट तक ही आयनाइज होंगे, बट ये पूरा कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होंगे एक्वस सॉल्यूशन में। बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो अन इक्विलिब्रियम विच इज स्टेबलाइज बिटवीन एन अनआयनाइज मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ऐसा इक्विलिब्रियम जो एक अनआयनाइज मॉलिक्यूल्स और जो आयन्स हैं, जो आयन्स सॉल्यूशन में, उनके बीच में इक्विलिब्रियम जो स्टेबलाइज होता है उसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। द इक्विलिब्रियम विच इज स्टेबलाइज बिटवीन द अनआयनाइज मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3COH हमने लिया प्लस उसमें वाटर ऐड किया, अब ये क्या देगा, हमारा CH3CO एसीटेट आयन देगा प्लस तुम्हारा हाइड्रोनियम आयन देगा, ठीक है, H3O, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करते हैं आयनाइज कॉन्सेप्ट ऑफ द एसिड एंड द बेसिस। तो एसिड क्या है, इट इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। तो बेसिकली आयनाइज कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डिसोसिएशन पे हाइड्रोजन आयन देता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि तुम्हें हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देता है। फॉर एग्जाम्पल हम एसिड का देखें तो HCl है, ठीक है, अगर इनसे डिसोसिएट करें तो ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है प्लस क्लोरीन आयन दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये टू हाइड्रोजन आयन दे रहा है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO4 आयन दे रहा है। HNO3 अगर हम देखें तो ये भी हमें हाइड्रोजन आयन दे रहा है, NO3 आयन दे रहा है, ठीक है। अब बेस में अगर हम देखें तो ये क्या देगा हमें, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, NaOH है, ये Na+OH- देगा, तो OH क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। KOH में पोटेशियम ऑक्साइड में अगर तुम देखो हाइड्रोक्साइड में, तो उसमें भी तुम्हें K+ और OH- मिल रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है, आयनाइज के हिसाब से बेस जो है वो तुम्हें हाइड्रोक्साइड आयन देगा और एसिड जो है वो तुम्हें हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है। उसके बाद आया था ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट। अब इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेगा, मतलब हाइड्रोजन डोनेट करेगा, और बेसिक बेस जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल NH3 प्लस HCl विल गिव NH4 एंड प्लस Cl
माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एसिड क्या है, वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, HCl था वो क्या हो गया, Cl हो गया। इसने NH3 को, ठीक है, इसको क्या दिया, NH4 हो गया। यहाँ पे इसने हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है मतलब जो प्रोटॉन है उसको डोनेट किया। अब NH3 क्या था, ये बेस था, इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो NH3 जो है, तो ब्रॉन्स्टेन लॉरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि तुम्हारा हाइड्रोजन डोनेट करेगा, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि तुम्हारा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो, HCl प्लस H2O। HCl क्या है, एसिड है। इसने ये क्या किया, हाइड्रोजन जो है उसको डोनेट कर दिया, किसको, H2O वाटर को। तो ये क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया, H2O, और Cl माइनस हो गया, ये अकेला, ठीक है। तो ये हमारा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है। तो पेयर ऑफ एसिड एंड बेसिस विच आर फॉर्म फ्रॉम ईच अदर बाय गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड बेस पेयर। एसिड बेस पेयर के, एसिड और बेस के वो पेयर जो कि एक दूसरे से या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, सॉरी एक प्रोटॉन ले लेंगे, या तो उसे लूज कर देंगे, ठीक है, या तो गेन करेंगे या तो लूज करेंगे, उसी को हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिड हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस में एक हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रोजन प्रोटॉन को ऐड कर दो, तुम्हें एसिड मिल जाएगा। बेस में हाइड्रोजन प्रोटॉन ऐड करोगे तो तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा। कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो तुम्हें एसिड में हाइड्रोजन आयन ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन माइनस करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो तुम्हें पता ही है, बेस प्लस हाइड्रोजन प्रोटॉन को ऐड करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, डस ईच कॉन्जुगेट एसिड हैज वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन एंड ईच कॉन्जुगेट बेस हैज वन लेस प्रोटॉन। सिंपल सा है, कॉन्जुगेट, ओके, डस ईच कॉन्जुगेट एसिड हैज वन एक्स्ट्रा प्रोटॉन एंड ईच कॉन्जुगेट बेस हैज वन लेस प्रोटॉन। हर एक कॉन्जुगेट एसिड के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है और एक कॉन्जुगेट बेस के बाद एक लेस प्रोटॉन होता है। सिंपल। अब आया था लेविस कॉन्सेप्ट। उनके हिसाब से था, एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। सिंपल सा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, ये आप एग्जाम्पल स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आयनाइजेशन ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये क्या कहता है कि हम इसको मेज़र कैसे करते हैं, स्ट्रेंथ जो है एसिड की वो कैसे मेज़र की जाती है, वो मेज़र की जाती है टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन। अभी हमने पहले पढ़ा कि एसिड क्या है, वो प्रोटॉन को लूज करता है, बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन ऑफ एन एसिड इज मेजर्ड ऑफ द स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर हमें एसिड की स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम उसकी टेंडेंसी को मेज़र कर लें, ठीक है, कि वो कितनी टेंडेंसी रखता है प्रोटॉन को लूज़ करने की। और अगर हमें बेस की स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम ये मेज़र कर लें कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन क्या है बेस की, ठीक है। नाउ एसिड इज कंसीडर टू बी स्ट्रॉन्ग इफ देयर इज अ ग्रेट टेंडेंसी टू लूज प्रोटॉन। एसिड को तभी हम अच्छा एसिड कंसीडर कर सकते हैं जब उस पर उसके पास एक अच्छी ग्रेट टेंडेंसी हो ताकि प्रोटॉन लूज करने की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम HCl प्लस H2O देखें, तो ये H जो है यहाँ से जब रिमूव हुआ एसिड से तो ये कॉन्जुगेट बेस बना दिया, ये हो गया Cl। और यहाँ का ये जो H है ये किस में ऐड हो गया, वाटर में, और वाटर में जब वो ऐड हुआ तो वो बनाया हाइड्रोनियम आयन, ये है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो अब आता है आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट। आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर और उसका आयनिक प्रोडक्ट क्या है, तो देखो वाटर तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है, उसकी एबिलिटी यूनिक होती है कि वो एज अ एसिड एज अ बेस दोनों में रिएक्ट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं H2O प्लस H2O, ठीक है, दोनों लिक्विड स्टेट में, जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में थे इसका रिएक्शन कराया गया तो ये दिया हमें हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस, ठीक है। यहाँ का एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया और यहाँ का OH बता वो हो गया हमारा हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन हमें तीन चीज़ें मिली यहाँ पे। तो हम अगर अभी हमने देखा कैसे अगर हमें निकालना हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड का डिवाइड कर देंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो वही हमने किया है, H2O को स्क्वायर कर दिया, अब H2O एक ही है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ द वाटर इज वेरी स्मॉल, ये हमें पता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड वाटर कैसा क्या होगा भैया, तो वो देख लेते हैं। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो ये हो जाएगा K into H2O को स्क्वायर, और H2O को स्क्वायर जब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो वो हो जाएगा हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द वाटर। तो वो किसके इक्वल है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड में ये दोनों थे हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, तो KW जो हो गया वो हो गया कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब ये क्या है, यही हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O है, ठीक है। तो कोई पूछे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, वो होता है KW इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो KW इक्वल टू कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, वो है हमारी 1×10⁻⁴ एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। अब हमें ये पता है, इट इज क्वाइट एविडेंट दैट कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन आर इक्वल इन प्योर वाटर। ये भी हमें पता है कि इन दोनों का कंसेंट्रेशन प्योर वाटर में एकदम इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं H3O का मोलर कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ द OH माइनस। तो एक्टिव मास ऑफ बोथ
हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन विल बी इक्वल टू 1×10^-14। तो अगर हम इसको अब दोनों इक्वल हैं तो हम चाहे इसको OH का स्क्वायर करें, हाइड्रोक्साइड आयन का स्क्वायर कर दें, चाहे हम हाइड्रोनियम आयन का स्क्वायर करें। तो हमने यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का कर दिया, ठीक है, आप OH का भी कर सकते हैं। तो इनटू वो हो जाएगा 1×10^-14। अब हमें पता है अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड में हमारा स्क्वायर रूट तक जाता, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन क्या आया, 1×10^-7 मोल पर लीटर। और यही हमारा हाइड्रोक्साइड आयन का भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास होगा। अब हम बात करते हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होती है, सिंपल होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोनियम आयन को ही हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो हमारा जो मीडियम है, जो सब्सटेंस है, वो ऐसे, ठीक है, पीएच अगर 7 से कम है तो वो बेसिक है, और अगर पीएच 7 के इक्वल है तो वो न्यूट्रल है। अब यहाँ पर कुछ लॉग की वैल्यू जो कि हमें न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली है, फॉर एग्जाम्पल 2 है तो ये 0.3010, ठीक है, जो भी नंबर होगा उसके एक आगे जाके वो शुरू होगा उसकी वैल्यू। तो क्या क्या है, 3.3010, 3 की वैल्यू क्या है 0.4771, 5 की वैल्यू क्या है 0.6989 है, 7 की वैल्यू 0.8450 और 6 की वैल्यू 0.7781। ओके, इतना तो हमें आ गया। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन और आयनाइजेशन फॉर अ वीक एसिड, ठीक है, एक वीक एसिड का आयनाइजेशन क्या होगा या डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन क्या होता है। तो यहाँ पर हमने वीक एसिड लिया HA फॉर एग्जाम्पल, और वीक बेस लिया हमने H2O, ठीक है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन जब इधर गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, बेस क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, ठीक है, या प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है, तो यहाँ से इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो ये हाइड्रोनियम आयन दे दिया और ए जो है वो अकेला हो गया, ए आयन हो गया, ठीक है। तो इट में भी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, वेदर इट इज एसिड और बेस, विच इज आयोनाइज इन टू द आयन्स एंड इट इज डिनोटेड बाय द एक्स, ठीक है, बाय द अल्फा। तो अल्फा विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विच आर आयोनाइज अपॉन द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को हम कहते हैं डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन, ठीक है। तो सिंपल डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो कि आयनाइज हो चुके हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जितने इलेक्ट्रोलाइट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, बट उसमें से कुछ होंगे जो कंप्लीटली आयोनाइज होंगे, ठीक है, तो हम उनको लेंगे विच आर आयोनाइज को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट से, तो हमें डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन मिल जाएगा, या हम क्या कह सकते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यही रिएक्शन है HA+H2O, ये हमें देता है हाइड्रोनियम आयन और A-, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे इसका जो था ये C है और ये जीरो, ये जीरो, बट इक्विलिब्रियम स्टेट में ये क्या हो जाएगा, ये सी अल्फा हो जाएगा, ये भी सी अल्फा हो जाएगा और ये इसका क्या होगा, ये 1-α होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है, हमेशा यही होता है एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट साइड अपॉन दी एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट साइड, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा H2O, अगर हम इधर इससे मल्टीप्लाई कर दें वाटर से, ठीक है, K×H2O, और तो ये हो जाएगा Ka हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन, या हम कहते हैं आयनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड, ठीक है, और हम ये कह सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा, ठीक है, क्या कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर भी हम कह सकते हैं उसे, ठीक है, तो यहाँ पे Ka की वैल्यू हम बेसिकली यहाँ पे डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, H3O कम एक्टिव मास और A का एक्टिव मास अपॉन HA, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या एक्टिव मास था, ठीक है, इसका सी अल्फा था, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना था, सी अल्फा था, HA का कितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन था, सी और 1-α था, ठीक है। अब H2O को क्यों नहीं लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है H2O का, ठीक है, HA का हमको मिल गया था, इसका मिल गया था, इसका मिल गया, तो इसका हमें निकालना था मोलर कॉन्सेंट्रेशन, या हम एक्टिव मास कह दें, ठीक है, तो इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें Ka मिल गया, तो Ka की वैल्यू क्या हो गई, C×C, तो ये C कैंसिल हो गया एक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा CX² / 1-α, ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, आयनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड या डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन है ये, ठीक है, ये हमें पता चल गया, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लर्न कर लीजिए। फिर आता है कॉमन आयन इफेक्ट, ये क्या कहता है, द डिग्री ऑफ द आयनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड और अ वीक बेस इज सप्रेस्ड बाय द कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन जो वीक एसिड या वीक बेस है उस वो रिड्यूस हो जाती है बाय एडिंग द कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट को जब भी हम किसी वीक एसिड या वीक बेस के डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन में ऐड करते हैं, ठीक है, या वीक बेस या वीक एसिड में ऐड करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ द आयोनाइजेशन जो है वो कम हो जाता है, वो सप्रेस हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वीक एसिड हमने लिया, ठीक है, CH3COH, इसको हमने इथिलीन रिएक्शन में दिया तो ये क्या देता है हमारा, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। अब हमने इसमें सोडियम एसीटेट को जब उसको हीट किया, ठीक है, तो इसने क्या दिया, सोडियम एसीटेट आयन दिया, ठीक है, सॉरी एसीटेट आयन दिया प्लस सोडियम आयन दिया।
अब यहाँ पे हम कॉमन देख सकते हैं CH3O- एसीटेट आयन का क्या है कंसनट्रेशन यहाँ पे बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, द डिग्री ऑफ द आयनाइजेशन ऑफ एन एसिड डिक्रीजेज इफ सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर एग्जाम्पल CH3CONa दैट कैन प्रोवाइड एनी ऑफ द प्रोडक्ट आयन इज एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ द एसिड अबव सोल्यूशन द कंसनट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इंक्रीजेज। क्यों भैया इंक्रीज हुआ, ये भी हमें एसीटेट आयन दे रहा है, ये भी हमें एसीटेट आयन दे रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका कंसनट्रेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। कोई भी दो चीज़ अगर हम एक ही अगर थोड़ी सी चीनी है उसमें और चीनी मिला दें तो कंसनट्रेशन चीनी का बढ़ जाएगा ना, सिंपल है। वही चीज़ यहाँ पे भी हुई है, कॉमन आयन इफेक्ट है ये, कॉमन आयन ऐड हुए। तो उसके बाद ये क्या कह रहा है कि एसीटेट आयन इंक्रीजेस एंड अबव इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और तुमको पता है प्रॉपर्टी क्या है इफेक्ट ऑफ डीकंसंट्रेशन, जब भी हम प्रोडक्ट का बढ़ाएंगे कंसनट्रेशन तो वो क्या देगा, बैकवर्ड रिएक्शन देगा, ठीक है। और अगर हमें रिएक्शन का बढ़ा देंगे कंसनट्रेशन तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन देगा। बट यहाँ पे इन दोनों का बढ़ रहा है और ये दोनों क्या है प्रोडक्ट हैं, तो इनका कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन में, ठीक है। एंड दस एडिशन ऑफ द टोटल आयन ऑफ द एसीटेट आयन रिड्यूस द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन और द आयनाइजेशन ऑफ अ एसिटिक एसिड, और इसी वजह से जो एसिटिक एसिड का जो डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ द आयनाइजेशन है, वो क्या हुआ, वो रिड्यूस हो गया, सप्रेस हो गया, कम हो गया, ठीक है। फिर आता है बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद कॉमन है। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि रोकता है पीएच को चेंज होने से जब भी हम उसमें किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कॉमन आयन के साथ ऐड करते हैं। किसी भी सोल्यूशन में अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कॉमन आयन के साथ ऐड करेंगे तो उसका पीएच चेंज होना चाहिए, बट बफर सोल्यूशन क्या है, उस चीज़ को रोकता है, उस चीज़ को रेजिस्ट करता है। अब यहाँ पे देखो बफर सोल्यूशन कितने टाइप के हैं। पहला हो गया हमारा एसिडिक बफर। ये क्या है, इट एसिडिक बफर सोल्यूशन कंटेन्स द इक्विमोलर और द इक्वल मोल्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक बफर क्या होता है, ये सोल्यूशन क्या करता है, इक्वल नंबर ऑफ द मोल्स कैरी करता है, किसका, वीक एसिड का और उसका सॉल्ट के साथ विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं CH3CO- इसने क्या दिया हमें, एसिटिक एसिड ने क्या दिया, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन दिया, फिर सोडियम एसीटेट ने एसीटेट आयन दिया और सोडियम दिया, और ये हमारा वाटर था, इसने हाइड्रोजन आयन और OH- दिया, ठीक है। फिर आता है बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या है भैया, यहाँ पे देखो NH4OH ये क्या दिया, NH4+ और OH- आयन दिया, NH4Cl NH4+ Cl- आयन दिया, और H2O क्या है, H+ OH- आयन दिया, ठीक है। तो देखो बेसिक बफर सोल्यूशन कंटेन्स द इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ द वीक बेस एंड इट सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिक बफर सोल्यूशन जो होते हैं वो इक्वल मोल्स क्वांटिटी कैरी करते हैं, किसका, वीक बेस का, उसके साथ उसका सॉल्ट होता है प्लस उसका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। फिर आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन्स रेज टू द पावर ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ द टाइम्स ईच आयन अकर इन द इक्वेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। ये क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ द टाइम ईच आयन अकर, ठीक है। पावर में क्या होगा कि हर एक आयन कितनी टाइम आया है, कितनी टाइम अकर किया है उस इक्वेशन में, उस रिएक्शन में, उस वो जाएगा पावर में इन द इक्वेशन फॉर द सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे कि AgCl, या हम AgCl यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, एक्वस स्टेट में, पहले वो सॉलिड में था, एक्वस स्टेट में, तो ये हमें क्या देगा, Ag+ और Cl- आयन देगा एक्वस स्टेट में। तो यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर दें तो ये क्या देगा, हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या देगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द या एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट साइड, टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस इज इक्वल्स टू द कॉन्स्टेंट, द कंसनट्रेशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो केन टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा और ये हमारा मोलर एक्टिव मास हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखें तो वो किसके इक्वल होगा, एक्टिव मासेस ऑफ द Ag+ आयन और Cl- आयन। तो KSP क्या है, ये है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो KSP क्या हो जाएगा, S² और S² क्या हो जाएगा, रूट ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर तुम्हारा सॉल्ट टाइप, ये तो सॉल्ट टाइप AB के लिए था, ठीक है, अब अगर तुम्हारा सॉल्ट टाइप है AB2,
तो उसमें क्या होगा, एस की पावर 3 हो जाएगी, तो के एस पी क्या हो जाएगा, के एस पी का रूट हो जाएगा 1/3। के एस पी का हम स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ पे क्यूब रूट कर देंगे, ठीक है। और अगर ए बी 3 है तुम्हारा सॉल्ट टाइप, तो उसमें क्या होगा, के एस पी की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और वो उसकी फिर एस को हम क्या कर सकते हैं, के एस पी की पावर 1/4 कर लें, या फिर उसका रूट निकाल लें, ठीक है, 4 रूट निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल लाइक द सेशन, ठीक है। तो अगर लाइक पसंद आया हो, हर एक चीज़ समझ आई हो, अगर मुझसे कुछ चीज़ रह गई हो या कुछ ना समझ आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करना, फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और बताना है कैसा लगा ये चैप्टर, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें तो इसके लिए देख लो, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहीं पर सारे नोट्स मिलने वाले हैं। और इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहीं पर सारी अपडेट मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर तुम ध्यान रखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना मुझे, और क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली तुम हैंड राइटिंग में मजा आना, ठीक है, मेन कॉन्टेंट के पीछे ना, हर एक चीज़ तुमको अच्छी तरीके से समझाई जा रही है। अगर उसमें भी कोई तुमको डाउट लग रहा है, उसमें भी तुमको नहीं समझ आया, तो प्लीज़ कमेंट करो, उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के मिनट में मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गुड बाय।